मुजफ्फरनगर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह सहारनपुर डिवीजन का हिस्सा है और मुजफ्फरनगर शहर में ही जिला मुख्यालय मौजूद है। मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी कटोरा भी कहा जाता है। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, गन्ना, कागज और स्टील इंडस्ट्री पर टिकी है। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर शहर दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून नेशनल हाईवे नंबर 58 के बीच में मौजूद है। यह शहर देश भर में रेलवे नेटवर्क के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले में 1 लोकसभा सीट और 4 तहसीलें हैं। मुजफ्फरनगर जिले में कुल मिलाकर 9 ब्लॉक हैं। मुजफ्फरनगर जिले का क्षेत्रफल 4008 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 3,92,768 और जनसंख्या घनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का लिटरेसी रेट लगभग 80% और सेक्स रेशियो की बात करें तो 899 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 272 मीटर है और दिल्ली से मुजफ्फरनगर 128 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ मौजूद है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मुजफ्फरनगर 520 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मौजूद है। मुजफ्फरनगर के पश्चिम में सहारनपुर, पूर्व में हरिद्वार और बिजनौर है, दक्षिण में मेरठ और पश्चिम में शामली और बागपत जिले हैं। गंगा यमुना के उपजाऊ इलाके और नई दिल्ली और सहारनपुर के करीब स्थित होने के कारण यह जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित और समृद्ध शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पॉपुलर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब है। यहाँ की मूल भाषा हरियाणवी बोली से मिलती जुलती है। जिले में चीनी और गुड़ के प्रोडक्शन में काम करने वाली ढेर सारी फैक्ट्रियां मौजूद हैं। आसपास कृषि क्षेत्र गन्ने की खेती पर निर्भर है, इस वजह से शहर गुड़ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मुजफ्फरनगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर होने के कारण यहाँ चीनी, इस्पात और कागज बनाए जाते हैं। जिला मुजफ्फरनगर में 8 चीनी मिले हैं। यहाँ की कई नामी स्टील कंपनियां देश के दूरस्थ हिस्सों में स्टील प्रोडक्ट, एंगल्स और सरिया बेचती हैं। क्षेत्र की 40% से ज्यादा आबादी कृषि में लगी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर GDP में पहला स्थान रखता है। साथ साथ यह जनपद UP का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जनपद है। अपनी आर्थिक ताकत के बावजूद शहर में विदेशी और आधुनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कमी है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर में घूमने की जगहों के बारे में। नंबर 1 पर है अक्षयवट वाटिका। मुजफ्फरनगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये जगह यहाँ के वट वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यह 5,100 वर्षीय बरगद का वृक्ष किसी चमत्कार से कम नहीं है। अक्षयवट वाटिका में मौजूद यह वृक्ष बड़े क्षेत्र में फैली जड़ों के साथ 150 फीट की ऊंचाई का एक विशाल वृक्ष है। इसे ऋषि सुखदेव की निशानी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह इस पेड़ के नीचे बैठे और 7 दिनों के लिए अर्जुन के पोते राजा परीक्षित को श्रीमद भगवद पुराणों का उपदेश दिया और 88,000 संत भी पेड़ के चारों ओर बैठे थे। दूसरे नंबर पर है जूलॉजी म्यूजियम। विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए सबसे बेहतर, मजेदार और इन्फॉर्मेटिव जगह इस जूलॉजी म्यूजियम को कहा जाता है। यह 1970 में PNG डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज के द्वारा शुरू किया गया था। यह सनातन धर्म कॉलेज के परिसर में बनाया गया था। यह मौजूद लाइब्रेरी का उपयोग स्टेट वाइड शोधकर्ताओं और स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो आपके शहर के बारे में हो। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस।